मुगल सल्तनत के कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने लगभग कई सालों तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। इसके साथ ही मुगल्स अपने साथ साथ कई ऐसे तौर तरीके भी लाए थे जिसे इसके पहले ना तो किसी भारतीय ने देखा था और ना ही सुना था। जी हाँ, और उन्हीं तौर तरीकों में से एक था मुगल हरम की प्रथा। वैसे तो मुगल काल के हरम की चर्चाएं तो आज भी खूब होती हैं, जिसकी शुरुआत मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर ने की थी, लेकिन बादशाह अकबर ने इसका दायरा कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि अगर कोई भी महिला उस हरम में प्रवेश कर लेती थी तो वो चाहकर भी अपने पुराने जीवन में नहीं जा सकती थी। अब आपके मन में भी ये जानने की इच्छा तो जरूर उठती होगी कि हरम असल में होता कैसा था या हरम में महिलाओं की जीवन शैली कैसे होती थी। वैसे हरम शब्द अरबी शब्द का एक शब्द है जिसका मतलब होता है छिपा हुआ स्थान, लेकिन समय के साथ साथ इसका प्रयोग महिलाओं के कमरे के लिए किया जाने लगा, और जहाँ बादशाह अक्सर वहाँ अपनी थकान मिटाने और मनोरंजन के लिए जाया करते थे। यहाँ तक कि हरम में राजा के अलावा किसी दूसरे पुरुषों को जाने की इजाज़त तक नहीं थी, और वहीं मुगल कालीन महिलाओं का सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ बादशाह को प्रभावित करने में ही गुजर जाता था। जहाँ हरम में मौजूद हर बेगम ये चाहती थी कि बादशाह उनके साथ वक्त बिताए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उस समय हरम में करीब 5000 से भी ज्यादा बेगमें थी, और बादशाह अक्सर अपनी पसंदीदा बेगम के साथ रहना ही पसंद करते थे। और इतना ही नहीं, हरम में उस बेगम का सम्मान काफी बढ़ जाता था जो बादशाह के पहले बेटे को जन्म देती थी। वैसे तो मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक ने मुगल हरम की स्थापना की, लेकिन मुगल हरम का सही रूप अकबर से ही शुरू हुआ था जो जहांगीर के समय में अपनी चरम पर था। हालांकि औरंगजेब के साथ साथ मुगल हरम भी अपनी पहचान खोते चला गया। वैसे तो मुगल काल में कई जगहों पर शाही हरम बने थे, जैसे दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर में। इसके अलावा अहमदाबाद, दौलताबाद और बुरहानपुर में भी हरम स्थापित किए गए थे। वहीं अबुल फजल के खिताब के मुताबिक बादशाह अकबर के हरम में करीब 5000 महिलाएं थी, जबकि बाबर और हुमायूं के दौर में ये संख्या 300 और 400 से ज्यादा नहीं थी, जिनमें से कुछ तो शादी करके लाई गई थी तो कुछ को जबरन ही रखा गया था। वैसे तो शाही हरम की ज्यादातर व्यवस्थाएं महिलाएं ही देखा करती थी, वहीं हरम की सुरक्षा को लेकर बादशाह अकबर ज्यादा संजीदा रहते थे, क्योंकि बादशाह खुद हरम में ही सोने जाते थे और वहीं पर ही अपना भोजन भी किया करते थे। वहीं अगर हम शाही हरम की सुरक्षा की बात करें तो हरम के आगे प्रवेश द्वार पर द्वारपाल हुआ करते थे। हरम की दीवारों के बाहर एक सिपाही तथा दूसरी सैन्य टुकड़ी भी रहती थी। इसके अलावा अकबर खुद भी हरम की निगरानी किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हरम के अंदर तो बादशाह के अलावा किसी दूसरे पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर हरम के अंदर की सुरक्षा कैसे होती थी। तो असल में शाही हरम के अंदर किन्नरों की एक टुकड़ी को तैनात किया जाता था। आपको बता दें कि वे किन्नर हथियार चलाने में काफ़ी निपुण होते थे, यहाँ तक कि वे किसी भी योद्धा को मारने की क्षमता भी रखते थे। इसके अलावा किन्नरों को रखने के खास वजह ये भी थी कि उससे फिर उन बेगमों की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता था। वैसे शाही हरम जितने शाही थे उससे कहीं ज्यादा हरम में कड़े नियम भी थे। हरम के अंदर रहने वालों को बाहर जाने की अनुमति तक नहीं मिलती थी, और अगर उन्हें किसी वजह से बाहर जाना पड़ता था तो उन्हें उसके लिए पर्दा रखना ज़रूरी होता था। वैसे तो हरम के अंदर उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, उन्हें यहाँ महंगे कपड़े, महंगे जेवर आदि सब मिलते थे, यहाँ तक कि उन्हें खाना भी शाही रसोई से मिलता था। वैसे तो हरम में महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त तो नहीं थी, तो उनका ज़्यादातर समय हरम में ही मनोरंजन करते ही बीतता था। यहाँ तक कि उनके मनोरंजन के लिए पूरे पूरे प्रबंध किए जाते थे,
जैसे हरम की महिलाएं कला, बाग लगाने और व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। इसके साथ ही हरम के अंदर नाचने के लिए और गाने के लिए कई महिलाएं भी उपलब्ध होती थी। तो ये थी कुछ जानकारियां मुगल हरम की। वैसे तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए हैं जो मुगल हरम की काफी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि मुगल हरम असल में बादशाहों के अय्याश का स्थान होता था और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही आते थे और वो जिस भी बेगम के साथ वक्त बिताना चाहते थे वो बेगम उन्हें मना नहीं कर सकती थी। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन मुगल हरम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।